इस अंतर को दूर किया जाना चाहिए। भारतीय चिकित्सा पद्धति को अपनाने के लिए बजट में भी प्रावधान होना चाहिए, अच्छे से अच्छे कॉलेज होना चाहिए। धन्यवाद। उपाध्यक्ष जी, इस बिल के ऊपर जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, भाषण किया, और जिन्होंने भाषण नहीं किया इसका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आगे मुझे निश्चित खुशी है कि ये सब लोग हम सब मिलके इस बिल को पारित करेंगे, इसलिए पहले मैं उनका धन्यवाद करता हूं। महोदय, माननीय अधीर रंजन चौधरी जी ने इस बिल के बारे में अपने विचार रखे थे, और आज जो सभी सदस्यों ने जो प्रश्न उठाए वो कुल मिला के उसी ही प्रश्न में वो समाविष्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो माननीय सदस्यों ने जो कुछ प्रश्न उठाए उसको उसका मैं समाधान करने का प्रयास करूँगा। माननीय अधिवक्ता ने पहले बताया कि 2 महीना सेशन अभी आने वाला था, और इस 2 महीने के अंदर वो इस अध्यादेश को क्यों लाए। महोदय, ये जो 2-3 महीना होता है, सभी कॉलेजों को इंस्पेक्शन करके विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड जो है उसमें परमिशन देने की आवश्यकता है। यदि कुछ लेट हो गया तो बाद में स्टूडेंट्स नहीं मिलता, ऐसा कुछ सब प्रकार होता है, और इसीलिए यदि वो इसी वक्त में हमें अध्यादेश नहीं लाया होता था तो इस साल भी वही प्रक्रिया जो पहले से चल रही थी वो प्रक्रिया चालू होती, और ये सभी जो मुद्दे जिस मुद्दे के कारण ये ऑर्डिनेंस लाया था इसका कोई उपयोग नहीं था। और इसलिए ये एक ही मुद्दा नहीं है महोदय, ये एक ही मुद्दा नहीं है कि जिसके कारण हमने ये ऑर्डिनेंस लाया है, वो एक ही मुद्दा था। दूसरा मुद्दा, उन्होंने कहा कि एक चेयरमैन ने कुछ भ्रष्टाचार किया इसलिए वो बिल लाया है, ऐसा भी नहीं है। ऐसे बहुत से मुद्दे मेरे पहले भाषण में मैंने आप सबके सामने रखे थे, और इसलिए भ्रष्टाचार का वो एक उदाहरण था ही, और जो कुछ और कुछ ऑफिसर के बारे में भ्रष्टाचार थे, मंत्रालय ने कहा भी था कि उसका जो रिटायर बेनिफिट मत देना, वहाँ के जो CCIS के सेक्रेटरी थे उसको भी उसने सब कुछ उसको बहाल कर दिया, और जब रिटायर होने के बाद तुरंत उसको उन्होंने दे दिया। अब महोदय जी, एक जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी था कि जो मेंबर दूसरा काउंसिल में आने तक रुकने का ऐसा कुछ नहीं था, तो 3 महीने के अंदर उन्होंने अपना पद छोड़ना था। कम से कम ये मेंबर कहीं महीने कहीं साल जब तक इलेक्शन नहीं होता तब तक वहाँ बदलते नहीं जाते थे, लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के आधार पर उन्हें 3 महीने में रिटायर होना चाहिए था। ऐसे कई मेंबर थे, कई साल डिग्री साल उन्होंने रिजाइन नहीं किया था, वहाँ ही बैठे हुए थे, ये भी एक कारण था। और इस सभी जो नियम है, जो अन्य अनियमितताएँ हैं उसको ये करने के लिए ठीक करने के लिए मौजूद अधिनियम में कार्रवाई करने या उसको हटाने का कोई हमारे पास मंत्रालय के पास इस एक्ट में कोई प्रावधान नहीं था, और इसलिए मंत्रालय ने ये बोर्ड जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बनाया है तो इसीलिए बनाया है कि इस तरह से इस साल और एक साल के अवधि के लिए बनाया हुआ है, और जिसमें जो जो कुछ अनियमितताएँ हैं वो सब अनियमितताएँ ठीक तरह से करके वो फिर काउंसिल का इलेक्शन होकर उनको एक साल के अंदर जो कुछ पहले हो वो बहाल करने का हमने वचन दिया हुआ है। उन्होंने पूछा कि ऐसे की बातें इंडिया में भारत में ऐसी हुई है क्या, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ वजीरदा से कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में ये ऐसा हो गया था। और कहीं उन्होंने प्रश्न उठाया कि ब्रिज पाठ्यक्रम आरंभ 3 का ब्रिज कोर्स जो है वो हमने कभी मांगा नहीं है, हमने उसको अनुमोदन दिया भी नहीं है, वो ब्रिज कोर्स हम कभी नहीं लाएंगे ऐसा मुझे कहना है। और होम्योपैथी कॉलेज जो है वो होम्योपैथी कॉलेज के लिए विश्वविद्यालय को विद्यालय को संलग्न क्यों नहीं है, पूरे जो होम्योपैथिक 233 जो कुछ आज अस्तित्व में जो कॉलेजेस है वो पूरे विद्यालय को अपने अपने राज्यों के बाकी सभी विद्यालयों में संलग्न है, और इसलिए
और एक उनका मुद्दा था कि सेफ्रनाइजेशन के बारे में आपने कुछ बोला था, ये जो बोर्ड आया है, मैं आज भी आप कल भी कल परसों भी जब आप अपने विचार यहाँ रखने के लिए खड़े थे उस दिन आपने ये जो शर्ट पहना था वो सेफ्रन नहीं पहना था, लेकिन ये आपको अच्छा लगा इसलिए तो आपने पहना है ना, या और इसलिए यहाँ सेफ्रना जी की कोई बात नहीं, जो बोर्ड ऑफ काउंसिल जो गठित हुआ, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो गठित हुआ है वो इसी तरह से गठित हुआ है। मैं आपको बताऊंगा, वो इस बोर्ड के जो चेयरमैन है ये हमारे रिटायर्ड सेक्रेटरी, आयुष के रिटायर्ड सेक्रेटरी है, और वही आपके ही राज्य से है, डॉक्टर उनका नाम है निरंजन सन्याल, वो इस बोर्ड के चेयरमैन, वो कलकत्ता के है, उसे कोई इसका कोई संबंध नहीं है। बाकी जो मेम्बर है महोदय, इसे के पाठक है हमारे एक्स ऑफिसियो मेंबर है, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी आयुष के ये संजय गुप्ता जी है, जो प्रोफेसर है गवर्नमेंट होम्योपैथ कॉलेज भोपाल के प्रोफेसर है। दूसरे जो डॉक्टर नित्यानंद तिवारी जी है, ये रिटायर्ड प्रोफेसर है पालघर होम्योपैथी कॉलेज के। डॉक्टर अनिल खुराना है, वही हमारे CCR के डिप्टी डायरेक्टर है। ऐसे सभी जो है इसे ये होम्योपैथी में तज्ञ लोग, इसका ये बोर्ड बना है, उसका कोई 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 ना, उसका जो नाम है बहुत मशहूर है, उन्होंने होम्योपैथी के लिए बहुत अच्छा काम किया हुआ है, और इसलिए नहीं इसे कोई नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ ये हम इसका विचार भी नहीं करते, हम सब महोदय बहुत सदस्यों ने आयुष जो है आयुष मंत्रालय, वो किसी को यहाँ वहाँ नहीं दिखता है, सभी पैथी को भी समान अवसर देने का हमारा प्रयास है। महोदय डॉक्टर कामराज जी ने बहुत से मुद्दे, फिर यही मुद्दा है कि ऑर्डिनेंस क्यों लाया, मैंने आप सबके सामने वो पेश किया, क्यों लाया, किसका यही था कि यदि हम इस स्तंभ में ये ऑर्डिनेंस नहीं लाते तो आगे साल भी हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हुआ करता था, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पास जो अधिकार है वो अधिकार जो अमेंडमेंट ऑफ होम्योपैथी काउंसिल एक्ट इन 2002 डिड नॉट कवर द रिन्यूअल ऑफ द रिकॉग्निशन फॉर एग्जिस्टिंग कॉलेजेस, हेंस सेक्शन 2C इज रिक्वायर्ड, इसकी जरूरत थी। दूसरा जो डॉक्टर कामराज जी ने प्रश्न पूछा था, रामजी सिंह एक ही उदाहरण नहीं था, मैंने आपके सामने वो रखा है, एंड देयर आर मेनी कंप्लेंट्स अगेंस्ट द मेंबर ऑफ CCS एज ए रिजल्ट कमीशन ऑफ इंक्वायरी वाज सेट अप इन 2005, ये सही है, बेस्ड ऑन दिस फाइंडिंग एंड चार्जेस वर फ्रेम्ड अगेंस्ट डॉक्टर ललित वर्मा, मैंने आपके सामने वो पेश किया हुआ है। ऐसे ये बहुत जो मुद्दे हैं वो कॉमन है, द मिनिस्ट्री हैज बीन परस्यूइंग द अमेंडमेंट ऑफ दिस काउंसिल एक्ट एंड देयरफॉर 2 bills आर डेफिनेटली पेंडिंग इन द पार्लियामेंट। द मिनिस्ट्री इज ऑल्सो at the same time examining the possibility of the replacement of the act itself to overcome the registered lacuna of this act, and we will come a comprehensive bill and same bill also and good rules and regulations will be done. Mohanai Dr. Ratnade unhone yahi prashn pucha hai kyun aapne supersede kiya hai, aur isliye CCH was supposed by the board of governors because of many of the members of this CCH including the president are not morally fit, ye baat maine already ki hui hai. CCH will be reconstituted within the 1 year as per the provisions of the HSC act. Board of governors of 6 members are appointed by the central government who are renowned homeopathic for administrative with the high integrity. महोदय रविंद्र कुमार जैना जी ने इलेक्शन ऑफ CCS मेंबर के बारे में पूछा था, इलेक्शन ऑफ द CCM मेंबर ऑफ CCM इज कंडक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय अपॉइंटिंग द रिटर्निंग ऑफिसर हु इज ए जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इलेक्शन इज डिलेड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू इंक्लूडिंग द नॉन अपडेशन ऑफ द स्टेट रजिस्टर ऑफ द प्रैक्टिशनर हु आर द वोट, या थोड़ा पानी लेता नहीं, पानी पिलाने की जरूरत नहीं थी, पानी की जरूरत भाई, या डॉक्टर पानी प्लीज प्लीज ऑर्डर प्लीज। श्रीकांत शिंदे जी ने निश्चित तौर से कई अपने अच्छे सजेशन यहाँ दिए हुए हैं, बोर्ड ऑफ द गवर्नर्स विल एक्सरसाइज द पावर
एज पर द एससीसीआरटी इसके बाहर कोई पावर का मिसयूज नहीं करेंगे. द गवर्नमेंट इज टेकिंग द स्टेप्स टू एंश्योर द ऑल होम्योपैथी कॉलेजेस शुड हैव मिनिमम स्टैंडर्ड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. Infrastructure also the teacher etc. Mohdai, the government is examining bringing out the new bill on the Ayurveda, Unani, Siddha, Yoga and Homeopathy. This is under the active consideration. Mr. Ravindra Babuji also raise some question. उन्होंने कहा कि होम्योपैथी तो जर्मनी से है, वहाँ वो ठीक तरह से जो उसको नहीं रिजेक्ट किया, इसलिए वो हिंदुस्तान में किसके लिए उन्होंने रिजेक्ट किया, इसके बारे में उन्होंने इंक्वायरी कमीटी बिठाने की चेष्टा की है. देर इज नो प्रोविजन टू डिजॉल्व द सीसीएच इन दिस प्रेजेंट एक्ट. ये जो ऑर्डिनेंस लाया हुआ है तो मैंने बार बार बताया कि एक साल के लिए वो लाया हुआ है और ये सब ठाक ठीक होने के बाद निश्चित तौर से उसकी जो पावर है सीसीएच की वो हम निश्चित तौर से उनको हम बहाल करेंगे. उन्होंने भी पूछा कि ये करप्शन कम करने के क्या आपने उपाय ले लिए. हमने इसका सीसीएच का फंक्शन जो है इम्प्रूव करने का हमने प्रयास किया हुआ है. वैसे ही बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बारे में सभी कॉलेजों में सभी इंस्टीट्यूशन में बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बारे में आगे जाने के लिए चेष्टा की है. और इंस्पेक्शन जो होता है कॉलेज का, ये इंस्पेक्शन गवर्नमेंट, जैसे श्रीमती टीचर ने हमें सलाह दी है कि ये तो गवर्नमेंट टीचर से ही वो इंस्पेक्शन होना चाहिए ताकि वहाँ कुछ गड़बड़ी ना हो. मिस्टर बोरा नरसिंह गौड़ा जी, उन्होंने अपने सुझाव निश्चित तौर से रखे हैं. मैं उनको कहना चाहता हूँ कि इस तरह से जो जो कुछ 12C के अंडर जो प्रोविजन है, जो उससे पहले के कॉलेजों को जो हमारे ऊपर अधिकार नहीं था उनके ऊपर एक्शन लेने का या उनको आय करने का, तो यही 12C के अंडर हमने जो कुछ अमेंडमेंट लाया है उसमें इसका अधिकार भी हमें आयुष मिनिस्ट्री को प्राप्त होगा. बहुत सदस्य दैट इज फॉर सम मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के बारे में निश्चित तौर से हम इसके ऊपर उपाय ले लेंगे. और आपने जो कुछ या आपके यहाँ एक नेशनल इंस्टीट्यूट होना चाहिए और रिसर्च सेंटर होना चाहिए, इसकी भी मांग की, इसके ऊपर निश्चित तौर से विचार किया जाएगा. महोदय, बाकी सभी मेम्बर्स, निहार चंद जी भी बोले, डॉक्टर करण सिंह यादव भी बोले, उन्होंने जो कुछ बोलने का और पूछने का उनका जो ये था तो साधारण कॉमन क्वेश्चन था. मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ. मिस्टर करण सिंह यादव जी ने ऑर्डिनेंस के बारे में बोला और उनको भी उनके सामने भी थोड़े से कोई प्रश्न थे और उन्होंने एक पत्र के जरिए मेरे ऊपर आरोप, मैं पीएम को किसी ने एक पत्र लिखा था उसके बारे में बोला. मैं उनको कहना चाहता हूँ, जिस मेंबर ने लिखा था वो मेंबर मेरे पास इसी हाउस में आके उन्होंने माफ़ी मांगी कि ये गलत फहमी से मैंने एक पीएम को पत्र लिखा था, अगर मुझे स्पष्टीकरण देना है. और इसलिए मैं चाहता हूँ कि गंगानगर, वैसे हमारे निहाल चंद जी है, उन्होंने गंगानगर में जो कैंसर के बारे में जो कुछ हो रहा है, बहुत पेशेंट वहाँ से आ रहे हैं, इसलिए होम्योपैथी का एक रिसर्च सेंटर वहाँ हो जाए, ऐसा उन्होंने कहा है. मैं निश्चित तौर से इसके ऊपर विचार करूँगा. करण सिंह यादव जी, उसके बाद में डॉक्टर महाड़िक ने बोला और उन्होंने जो कुछ सजेशन दिए कि एक्ट में प्रोविजन होते हुए एक्ट में प्रोविजन जो है उसके सिवा आयुष मंत्रालय कुछ भी कैसे भी आगे नहीं जा सकता है, इसलिए एनी डिसीजन ऑन द परमिशन ऑफ द परमिशन ऑफ द कॉलेज इज टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड द रेगुलेशन. जैसे बाकी हमारे मित्र सभी ने एक बात सही है कि किसी ने
इस अमेंडमेंट का एक दो हमारे मेंबर छोड़ के सभी ने इसका समर्थन किया हुआ है, एक अच्छी बात है। और इसलिए मैं हमारे मेंबर जो है शैलेंद्र कुमार जी है, जयप्रकाश नारायण जी है, जयदेव जी है, मिस्टर एमके प्रेमचंदा जी है, उन्होंने वहाँ के बारे होम्योपैथी के सेंट्रल काउंसिल के बारे में जो बिल था मैंने वो क्लियर कर दिया है कि एक कॉम्प्रेस जो बिल है उसके बारे में उसको प्रोसीड करने हम निश्चित तौर से आगे जाएंगे। ऐसे ही माननीय निशंक जी हमारे मित्र डॉक्टर महंतो जो उन्होंने सजेशन दिया हुआ है, मैं कहना चाहता हूँ जो उसके जो सजेशन है उस सजेशन को निश्चित तौर से ध्यान में रखा जाएगा और होम्योपैथी को सक्षम करने के लिए ये रूल से और अच्छी तरह से चलने के लिए आयुष मंत्रालय हर रोज अपने प्रयास जारी रखेंगे और इस प्रयास को आप सभी का सहयोग लगेगा, यही मैं मांग करते मेरे दो शब्द पूरे करते रंजन। 2 minutes.